हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस जानिबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी को स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका था। आज होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ रहे थे। तो एक कंपाउंड हम लोग पढ़ चुके थे डाइनाइट्रोजन, और आज जो है दूसरा कंपाउंड होगा अमोनिया। नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड कौन सा होगा? अमोनिया। फॉर्मूला क्या है सर? NH3। तो अमोनिया, इसमें हम लोग डिटेल्स जानकारी लेंगे कि अमोनिया बनता कैसे है, NH3 बनता कैसे है। फिर इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर यूजेस, क्या यूज है ये अमोनिया का। तो हम लोग सबसे पहली बात करें प्रिपरेशन, कैसे अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे अमोनिया को बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका है बाय यूजिंग हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाएगा, और ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। इसको लिख दीजिए सर, NNGG, मतलब समझे नाचे नागिन गली गली, मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है सर, याद रखेंगे। हैबर्स प्रोसेस से क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, बोलेगा कि अमोनिया का प्रिपरेशन करिए बाय यूजिंग हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस को यूज करके अमोनिया को बनाइए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो हैबर्स प्रोसेस जो है वह एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसमें अमोनिया को लार्ज स्केल में प्रिपेयर किया जाता है। हैबर्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहने का मतलब है कि ये आपका बहुत बड़े पैमाने पे उत्पन्न किया जाता है, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न किया जाता है हैबर्स प्रोसेस से। इस हैबर्स प्रोसेस में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस, हालांकि ये सब मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्शन करेगा 1:3 मिक्सचर में। कितना होना चाहिए? 1:3 मिक्सचर। इसको हम लोग लेंगे अमोनिया कन्वर्टर, एक अपैरेटस आएगा अमोनिया कन्वर्टर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3 मोल में होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट Fe कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रमोटर। आयरन क्या चीज का काम करेगा? कैटलिस्ट। और मोलिब्डेनम क्या चीज का काम करेगा? MO मतलब मोलिब्डेनम, ये क्या चीज का काम करेगा? प्रमोटर। और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 773 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर। ये सब लिखना जरूरी है, क्या क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 773 केल्विन टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है। तो N2 और H2 रिएक्शन करके ये बना देगा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज हैबर्स प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसी को डिटेल्स कर देना है, क्या करेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग हैबर्स प्रोसेस अमोनिया कैन बी प्रिपेयर ऑन लार्ज स्केल। अमोनिया को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिपेयर करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर टेकन इन अ अमोनिया कन्वर्टर इन 1:3 मिक्सर। 1:3 में होना चाहिए। मिक्सर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन अ अमोनिया कन्वर्टर इन 1:3 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम प्रमोटर एट 773 केल्विन टेम्परेचर अंडर 200 ATM प्रेशर अमोनिया इज ऑब्टेन्ड एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज हैबर्स प्रोसेस। लैंग्वेज आप आसानी से बना सकते हैं, बस केवल रिएक्शंस को याद रखेंगे, कंडीशन को याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कितना रेशियो में? 1:3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना देगा सर? अमोनिया। टेम्परेचर कितना रहेगा? 773 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा? 200 ATM इन द प्रेजेंस ऑफ Fe कैटलिस्ट एंड MO मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। बात समझ में आ रही है?
प्रमोटर का काम क्या होता है? कैटलिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाना, और कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हैबर्स प्रोसेस। अब लैंग्वेज बनाने की बात है तो आप लैंग्वेज यहां से आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा? N2 reacts with H2 in the ratio 1:3 in the presence of 7 in the presence of alpha catalyst and molybdenum as a promoter at 773 Kelvin temperature under 200 atm pressure ammonia is obtained। सिंपल। तो अमोनिया को इस प्रोसेस से हम लोग एक लार्ज स्केल में प्राप्त करते हैं, इसलिए ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा प्रिपरेशन करने का तरीका है, ये भी मैं कल आपको बताया था पिछले वीडियोस में, क्या था कि सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्शन करवाएंगे डाइनाइट्रोजन के साथ। तो सबसे पहले ये बनता था कैल्शियम साइनामाइड बनता, और फिर ये नेसेंट कार्बन को डेवलप करता। नेसेंट कार्बन ये क्या था सर? कैल्शियम साइनामाइड। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या बोल रहे? कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करेगा N2 के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तो कैल्शियम साइनामाइड और नेसेंट कार्बन को डेवलप करेगा। अब ये कैल्शियम साइनामाइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्सीजन एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, प्लस अमोनिया गैस को प्रिपरेशन करेगा, बोले तो NH3 को निर्माण करेगा। यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, 2 6, यहाँ पे 3 लगाना होगा। तो देखिए अमोनिया गैस बना, अमोनिया को प्रिपरेशन करना था। तो ये रिएक्शन सब लोग पिछले वीडियोस में भी देखे थे कि कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्शन करवा रहे N2 के साथ एट हाई प्रेशर एंड टेंपरेचर। सबसे पहले कैल्शियम साइनामाइड बना, नाउ कैल्शियम साइनामाइड ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव अमोनिया को डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, तीसरा प्रोसेस जिससे कि अमोनिया को प्रिपरेशन किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम सरफेक्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सरफेक्स, साइंटिस्ट का नाम है भाई। सरफेक्स प्रोसेस से भी अमोनिया को प्रिपरेशन किया जाता है। तो सरफेक्स प्रोसेस से कैसे डेवलप करते हैं? सरफेक्स प्रोसेस में क्या करना है कि जो भी आपको अमोनिया को प्रिपरेशन करने के लिए मेटल नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस करना है। मेटल नाइट्राइड, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम नाइट्राइड ली, एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। एल्युमिनियम नाइट्राइड, इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम नाइट्राइड। फॉर्मूला कैसे बना आप तो जान रहे हैं। एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है सर? Al3+। नाइट्राइड पे चार्ज कितना होता है? 3-। यहाँ पे इसके नीचे चार्ज वैलेंसी कितना है? 3। यहाँ भी कितना है? 3। कटेगा तो काट दीजिए, 3-3 कट गया। 1-1 क्रॉस गुना करेंगे सर, क्रॉस गुना करके आप राइट साइड लिखो, एल्युमिनियम यहाँ पे कितना हो गया 1, नाइट्रोजन भी कितना हो गया 1, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला लिया गया। क्लियर है ना? नहीं कटता तो डायरेक्ट गुना कर देते। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये तो बना देगा सर एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकलेगा। देख सकते हुआ, समझिए, सबसे पहले H2O टूटा, H2O ब्रेक हुआ किसमें? H+ और किसमें टूटा बता तो OH-। एल्युमिनियम जो है वो OH- को लेकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। 3 H2O की जरूरत पड़ेगा, अगर 3 H2O डालते हैं सर तो 3 H+ और 3 OH- आएगा। ये 3 OH- कौन खींच लिया? एल्युमिनियम। क्या बना दिया? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास बचा क्या? H+। कितना H+ बचा है? 3। एल्युमिनियम तो चला गया, सिर्फ यहाँ पे कौन बचा? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन 3H+ को लेकर के क्या बना देगा? अमोनिया, और इसी अमोनिया को हम लोग को निर्माण करना है। बात समझ आ रही है? उसके बाद मान लीजिए ये तो एल्युमिनियम नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस किए, अगर मान लीजिए कि मैग्नीशियम नाइट्राइड रहता, मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या फॉर्मूला बनता? Mg3N2। ये कैसे बना समझ में आया? मैग्नीशियम पे चार्ज बताइए तो 2+, और नाइट्राइड पे चार्ज कितना बताइए? 3-। 2 यहाँ पे 3, क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा सर, बोलो Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस करिए तो बताओ, फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसा ही टूटेगा। मैग्नीशियम 2H+ को लेकर के, 2 OH को लेकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और फिर यहाँ से NH3 का फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया गैस बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है?
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगाइए, कितना हो गया बताइए, 3 दुना 6, और यहाँ पे कितना, पहले तो इसको बैलेंस करना होगा, 3 लगा दिए तो 3 दुना 6 और 3 दुना 6 कितना हो गया सर 12, मतलब यहाँ पे लगाना होगा 6। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को भी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो देखिए तो क्या बन रहा है सर, अमोनिया का प्रिपरेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि अमोनिया को बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड आया, इसमें एक हैबर्स प्रोसेस, दूसरा मेथड आया कि कैल्शियम कार्बाइड को डाइनाइट्रोजन के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम साइनामाइड डेवलप होगा, कैल्शियम साइनामाइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया गैस प्रिपरेशन होगा। और तीसरा मेथड आया कौन सा, सरफेक्स प्रोसेस। सरफेक्स प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मेटल नाइट्राइड है, मेटल नाइट्राइड चाहे वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्राइड हो, चाहे लिथियम नाइट्राइड हो, उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया। तो टारगेट तो था अमोनिया को बनाने का और अमोनिया हम लोग बना भी लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो प्रिपरेशन हुआ, अब इसी अमोनिया का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दोनों देखेंगे, भौतिक एंड रासायनिक गुण है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, अमोनिया जो है वो कलरलेस गैस है, हैविंग पंजेंट स्मेल, कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, क्या बोला जा रहा है, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, कोई कलर नहीं आएगा, हैविंग जिसके पास पंजेंट स्मेल होगा, बिल्कुल खराब गंध होगा, पंजेंट मतलब खराब गंध, असहनीय, सड़े हुए अंडे के समान गंध होगा, पंजेंट स्मेल है, असहनीय गंध है, कलरलेस गैस के साथ क्या है, पंजेंट स्मेल आ रहा है, सड़ा हुआ अंडा किस मान गंध आएगा। दूसरा पॉइंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज कि अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या बोला जा रहा है, NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत ज्यादा विलय है, घुल जाता है, क्यों भाई, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विथ वाटर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विथ वाटर, ये वाटर के साथ क्या करता है, H बॉन्डिंग विथ वाटर, ये वाटर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को निर्माण कर लेता है, जिसके वजह से ये सॉल्युबल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग बॉन्डिंग बना के भी देखेंगे क्या है। अमोनिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, NH3 लिखिए, यहां नॉन गैप दे देते हैं, यहां कैसे जोड़ देते हैं, NH3 और वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाना है, वाटर H2O, लॉन पेयर वाटर में दो होता है, इधर भी अमोनिया दे दीजिए, ठीक है, चलो इधर लॉन पेयर, यहां ठीक। अब बॉन्डिंग बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कंडीशन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगा जब फोन रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगा जब क्या रहेगा, फोन, फोन मतलब चाहे तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए, फोन के साथ बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस मतलब क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल यही 3 एटम में पॉसिबल है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके पास पहले से ऑलरेडी अटैच होना चाहिए क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मतलब फोन के साथ क्या रहना चाहिए, बैलेंस, बैलेंस का काम कौन करेगा, हाइड्रोजन, तो इन तीनों में से किसी एक एटम के साथ अगर हाइड्रोजन पहले से अटैच है और वही हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब यही तीनों फिर मिलना चाहिए, इसके लॉन पेयर से अगर बॉन्डिंग बनाता है तो उस टाइप का बॉन्डिंग को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे सीखिए, क्या बोल रहे, कंडीशन कब कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, क्या बोले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगा जब उस, जब क्या रहना चाहिए, फोन, और फोन के साथ क्या होना चाहिए, बैलेंस, मतलब इन तीनों एटम में से कोई एक एटम होना चाहिए और उसके साथ पहले से हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। अब वही हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर से जाके अगर बॉन्ड बनाता है तो उस टाइप का बॉन्ड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, चलिए तो यहाँ पे देखो तो कंडीशन क्या, हाइड्रोजन पहले से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, नाइट्रोजन बिल्कुल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले से अटैच है, हाइड्रोजन पहले से अटैच है, अब क्या करेगा बताओ, ये हाइड्रोजन पहले से तो अटैच है तो दूसरा किससे अटैच होगा,
लोन पेयर से, तो इससे लोन पेयर से जाके बॉन्डिंग बना देगा, यहाँ भी लोन पेयर से जाके बॉन्डिंग बनाएगा, आगे आता तो इधर से भी बॉन्डिंग बनाता, इधर से भी बॉन्डिंग बनाता, जब बॉन्ड बनाएगा उस केस में चार्ज क्रिएट करेगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और ये जो बॉन्डिंग आ रहा है ये सभी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया जो है वो वाटर के साथ H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले रहा है, इस वजह से अमोनिया हाईली सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या आंसर देंगे सर, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये वाला रिएक्शन को याद रखिए, इसको केवल आप बना लेंगे तो समझिए कि आपका आंसर पूरा 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 कंप्लीट है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग तीसरा स्तर बात करते हैं। NH3 जो है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है, तो NH3 को अगर तोड़ेंगे डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने के बाद वही चीज बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। क्या बोल रहे हैं, NH3 इज हाईली स्टेबल, NH3 हाईली स्टेबल है, अगर इसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे इलेक्ट्रिक झटका देंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा N2+H2 में टूट जाएगा, थ्री होगा यहाँ पे, टू होगा मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का आएगा। NH3 को तोड़ेंगे तो N2+H2, और अगर ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या चीज बना देगा, NH3। तो तीसरा पॉइंट में क्या सीख रहे हैं, NH3 इज हाईली स्टेबल एंड इट डिकम्पोजेस टू गिव N2+H2। ऐसे डिकम्पोज किया जा रहा है बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक झटका दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में क्या है कि अमोनिया जो है वह एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कल भी मैं बात किया था अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस था क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो तो है ना लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर क्या है, क्या करेगा, ये दूसरे को देगा, जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बेस होगा, एक अच्छा बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस था। अब भाई ये बेस है तो अगर इसके साथ एसिड आता है तो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं चौथा पॉइंट में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ऑन कहां पे उपस्थित रहता है सर, नाइट्रोजन एटम। जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम लोग बोलेंगे कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का। जैसे रिएक्शन करके मैं दिखाता हूं सर, अमोनिया ये लॉन्ग पेयर की वजह से यह एक क्या है बता दो, बेस है। अगर इसके साथ एसिड आता है, एसिड मतलब क्या, HCl, कोई भी एसिड, एसिड आता है तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का, नहीं तो बताओ यहाँ पे चार्ज क्या होगा। अगर मैं चार्ज लिखना चाहूं तो H+ और Cl-, H+ इसके साथ आ जाएगा और ये बना देगा NH4+ और Cl- आ जाएगा, तो NH4Cl बोले तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, और यही अमोनियम क्लोराइड जो कि क्या बन गया सर, सॉल्ट बन गया। तो हम लोग बोलेंगे अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, एंड हेंस इट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट का निर्माण करेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पांचवा, NH3 जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके ये डाई नाइट्रोजन का भी फॉर्मेशन करता है। क्या बोलेंगे कि NH3 रिएक्ट्स विद O2 टू गिव N2+H2, ऐसे बना देगा। यहां पे हम लोग लगाएंगे 2, यहां लगाएंगे 3, कितना हो गया 3, तो यहां लगा देंगे 3/2, ठीक है। तो यहां पर भी देख सकते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा, NH3 O2 के साथ रिएक्शन किया तो N2+H2O का फॉर्मेशन किया, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। देख लो नाइट्रोजन डायटॉमिक मतलब ये आपका एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है,
यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये x हो गया, हाइड्रोजन का प्लस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना जीरो, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, नाउ x विल बिकम माइनस थ्री, तो माइनस थ्री देख लो सर यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस तीन, यहाँ पे कितना आ गया जीरो, माइनस तीन से जीरो क्या हो गया घटक की बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर घटक की बढ़ा बढ़ गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है O2, O2 क्या किया ऑक्सीडाइज किया। तो हम लोग पांचवा नंबर पॉइंट वाइज का यही पढ़े कि NH3 O2 के साथ रिएक्शन करके खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और किसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है N2 प्लस H2, बात समझ में आ रही है। तो ये पांच प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़े, उसके बाद छठा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन, छठा प्रॉपर्टी क्या देखेंगे ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन में भी हम लोग तीन रिएक्शन को जानेंगे, छठा प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। ए नंबर, NH3 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा बाय यूजिंग Cl2 क्लोरीन गैस के द्वारा, CuO कॉपर ऑक्साइड के द्वारा, PbO लेड ऑक्साइड के द्वारा, इन सभी के द्वारा ये ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्या बोल रहे हैं NH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके द्वारा, Cl2 के द्वारा, CuO के द्वारा या PbO के द्वारा, ये सब के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए ऑक्सीडाइज करके मैं दिखाता हूं, मान लिया जाए हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 प्लस CuO, ये रिएक्शन पीछे भी मिला था, पीछे वीडियोस में भी हम लोग देखे थे NH3 प्लस CuO क्या बनेगा सर, डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा था N2 प्लस कॉपर प्लस बाहर निकल जाएगा क्या H2O, यही ना होना है, यहाँ पे लगा देंगे 2 कितना हो गया 3 दुना 6, तो यहाँ पे लगाना होगा 3, यहाँ पे लगाइए 3, यहाँ लगेगा 3, ठीक है। देखो तो ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना जीरो, यहाँ भी हम लोग निकाले थे ऑक्सीडेशन नंबर कितना -3, -3 से जीरो ऑक्सीडेशन नंबर राइज कर गया बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ किसके द्वारा हो रहा है CuO के द्वारा हुआ, PbO के भी द्वारा वैसा ही होगा, PbO डालेंगे तो यहाँ PB, बाकी बात सब कुछ सेम हो जाएगा रिएक्शन। Cl2 के द्वारा मैं करके दिखाता हूँ सर, NH3 प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा सर, N2 प्लस बाहर निकलेगा, NH4Cl बाहर निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं सर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे लगाइए 6 6 2 8, यहाँ 8 NH3 लगेगा और 8 दिया 24 सर, 6 6 24 हो गया कंप्लीट, 6 6 2 तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। देख लो ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ होगा, -3 यहाँ पे N2 कितना आ गया जीरो, -3 से ऑक्सीडेशन नंबर राइज करके जीरो चला गया, मतलब कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि NH3 ऑक्सीडाइज हो सकता है Cl2 के द्वारा, CuO के द्वारा या PbO के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा नंबर रिएक्शन देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप लिख लिख कर याद करिए स्टूडेंट, आपको रिएक्शंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, लिखना है ताकि आप समझ जाएं, आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाइए ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो, नहीं तो लास्ट में आपको हराना पड़ेगा, इसलिए आप शुरुआत में एक लय बना करके चले ताकि हम एक अच्छे स्कोर कर पाए, ठीक है। चलिए तो आप हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन का बी नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपका आगे भी यूज होगा, 2-3 बार आगे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बी नंबर में कि NH3 जो है O2 के साथ रिएक्शन करेगा, NH3 O2 के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्मेशन करेगा बाय यूजिंग प्लैटिनम गॉज की उपस्थिति में और 1173 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन संभव है। क्या बोल रहे हैं कि NH3 O2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गॉज
प्लैटिनम क्वार्ट्ज की उपस्थिति में और 1173 केल्विन टेंपरेचर पे तो NH3 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस बाहर निकलेगा H2O नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा रिएक्शन को इसको हाईलाइटेड कर देते हैं एक नाम को दे करके ताकि आगे भी इसको यूज करना है हाईलाइट करते इससे रिएक्शन को जिस नंबर से बैलेंस करेंगे उससे हाईलाइट करेंगे इसको याद रखेंगे 45-46 किसके नाम से 45-46 देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया होगा याद रखोगे 45-46 वाला रिएक्शन मैं जब भी बोला 45-46 वाला रिएक्शन मैं जब भी बोला मतलब दिमाग में ये रन करना चाहिए कि NH3 O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया था नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O ये बार बार रिएक्शन अभी हम लोग आगे रिपीट करेंगे तो क्या हो रहा है बी नंबर में कि NH3O2 के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जा रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में बाय यूजिंग प्लैटिनम गॉज एट 1173 केल्विन टेंपरेचर चलिए देखते हैं ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके पता चलेगा हाई से ही नहीं पता चलेगा सर चलो यहां पे बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -3 अमोनिया में तो हमेशा -3 आ रहा है यहां पे आप चेक कर लो बोलो इसको मान लेंगे x ऑक्सीजन का कितना होता है सर -2 कोई चार्ज नहीं है तो 0 x -2 is equal to 0 now x will become कितना हो जाएगा सर बताइए +2 आएगा सर +2 आया चले अब थोड़ा सा हम लोग काम कर ले सर क्या काम करेंगे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिल्कुल हुआ होगा -3 से कितना चला गया +2 -3 कर्ज में थे +2 कर्ज खत्म हो गया सर इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर राइज किया ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है किसके द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो O2 के द्वारा तो NH3 ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में बाय यूजिंग O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गॉज एट 1173 केल्विन टेंपरेचर याद रखेंगे 45-46 जब भी रिएक्शन बोलेंगे 45-46 मतलब NH3O2 रिएक्शन करके NO प्लस H2O का फॉर्मेशन किया बात समझ में आ रही है उसके बाद तीसरा अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि NH3 जो है कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करके ये करस्पोंडिंग मेटल अमाइड को फॉर्मेशन करेगा क्या बना देगा करस्पोंडिंग मेटल अमाइड को फॉर्मेशन करेगा जो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा उस मेटल का अमाइड का फॉर्मेशन करेगा जैसे क्या बोल रहे हैं NH3 रिएक्ट्स विद एनी मेटल टू फॉर्म करस्पोंडिंग मेटल अमाइड अपना मेटल अमाइड को डिमांड करेगा जैसे मान लिया जाए कि सोडियम को रिएक्शन करवा रहे हैं NH3 के साथ सोडियम को रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं NH3 के साथ अब थोड़ा रिएक्शन को समझेंगे आप तो NH3 अमाइड बनाना है अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है सर NH2 पे माइनस सोडियम पे चार्ज कितना होता है सर Na प्लस वैलेंसी 1 क्रॉस गुना करेंगे क्रॉस गुना करके लिखिए राइट साइड सोडियम 1 NH2 1 बस यही चीज लिखा जाएगा Na NH2 तो बोलिए यहां पे करस्पोंडिंग मेटल अमाइड क्या बन गया सोडियम अमाइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा यहां रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाफ ठीक है बाकी हाफ ये दोनों कट जाएगा 1 और 2 3 हट गए 3 हट गए अगर मान लीजिए सोडियम को रिएक्शन करवाते अमाइड अमोनिया के साथ तो सोडियम का अमाइड बनता देख लो सर यहां पे बोलो क्या बन जाएगा कि NH2 प्लस यहां पर भी हाफ H2 गैस बाहर निकल जाता यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज किया होगा बिल्कुल किया होगा कैसे तो यहां पे -3 यहां निकल लिए बोलिए कितना जाएगा +1 बोलो +2 कितना गया सॉरी इधर है +1 इधर +2 आ जाएगा +3 इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन भी हम लोग देख चुके हैं कि अमोनिया जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है अब इसका कितना हो गया 6 नंबर हो गया 7 नंबर रिएक्शन रिएक्शन विद CO2 इसको भी टिक करेंगे खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन ये भी रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है ये 2017 में भी क्वेश्चन ये आया है CO2 के साथ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दिया गया था ठीक है रिएक्शन विद CO2 में क्या है कि अमोनिया CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले अमोनियम कार्बामेट का फॉर्मेशन करेगा और जैसे ही अमोनियम कार्बामेट बन जाएगा उसको स्ट्रांगली वार्म कर देंगे स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो ये टूट करके बना देगा यूरिया यूरिया का फॉर्मेशन करता है यूरिया को निर्माण में इस रिएक्शन को यूज किया जाएगा चलिए थोड़ा समझिए पहले क्या बोल रहे कि NH3 CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये अमोनियम कार्बामेट बनाएगा पहले मैं रिएक्शन को समझा लेता हूं
उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, डायरेक्ट मैं लिखूंगा, हाँ देखो, देख लो भाई, CO2 को ऐसे करके लिख सकता हूं, अमोनिया दो मोल की जरूरत पड़ेगा, चलिए दो मोल कैसे जरूरत पड़ेगा थोड़ा समझिए, इधर NH3 और एक NH3 और ले लो आप, NH3 को ऐसे करके लिख सकते हैं, समझना काम क्या होगा बताइए, यहां नाइट्रोजन यहां हाइड्रोजन, कौन ज्यादा पावरफुल, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो NH2 पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, और हाइड्रोजन को बर्बाद कर दिया मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, फिर से समझिए यहीं पे सारा गेम हो जाएगा सर, क्या बोल रहे हैं बताइए, यहाँ बताओ तो NH2 को NH2H करके लिख दिए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा पावरफुल कौन आया नाइट्रोजन, तो क्या क्या ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया तो NH2 पे चार्ज आएगा माइनस और H पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस, तो बताओ NH2 पे माइनस, यहाँ H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसके पास जाएगा भाई बॉन्डिंग बनाने के लिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब H इसके पास आ जाएगा तो बताइए क्या बना देगा, NH4 प्लस बनाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा बताओ तो NH2 माइनस, मतलब दोनों अमोनिया जो था वो टूट गया किसमें NH4 प्लस और NH2 माइनस, ठीक है, ये अमोनिया का काम हुआ। अब इसी के बेसिस पे इसको समझिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, अब बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में आपको बताया था फोन करो CBI को, फोन करो CBI को, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन देखो तो इसमें ज्यादा ही पावरफुल है, तो आ रहा है ऑक्सीजन, तो बताओ क्या करेगा सर, ये पाई बॉन्ड या ये पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, चलिए तो ये पाई बॉन्ड को अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, समझ लेंगे, पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है तो बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया डबल बॉन्ड था पाई बॉन्ड को खींचा अभी सिंगल बॉन्ड बचेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, अब कार्बन पे पॉजिटिव तो बताओ इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ कौन आएगा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, बोलो NH2 कहां चला जाएगा C के साथ, और O पे कौन सा चार्ज आया था नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन वहां गया है ना, तो यहां पे कौन सा चार्ज आया था नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ कौन आएगा बता दो पॉजिटिव, मतलब NH4 प्लस चला जाएगा O के साथ और NH2 चला जाएगा किसके साथ C के साथ, मैं रिएक्शन को लिखता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट लिखता हूं, चलो देखो कैसे ऐसे करके लिखे C डबल बॉन्ड O, इसको तो कोई चेंजिंग नहीं है, चलो एक तरफ O माइनस था इधर से एक कार्बन के साथ कौन जाके जुड़ रहा है बताओ तो NH2 ये वाला, और O माइनस के साथ ये वाला माइनस के साथ कौन चला जा रहा है NH4 प्लस, ऐसे करके लिख ही सकते हैं, या O माइनस NH4 प्लस करके लिखा, ये बन गया सर अमोनियम कार्बामेट, क्या बन गया अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट जैसे ही बना इसको वार्म कर दीजिए इसको गर्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहां से H2O मॉलिक्यूल यहां से दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा H2O, जब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो बचा क्या NH2, तो बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2, और ये बना दिया क्या बताइए तो यूरिया, तो हुआ क्या NH3 रिएक्शन किया CO2 के साथ तो अमोनियम कार्बामेट बनाया, अमोनियम कार्बामेट को गर्म कर दिए तो क्या चीज बन गया यूरिया, H2O को एलिमिनेशन करते हुए, समझ में आ गया, फारे फार आपको समझ में आना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि रिएक्शन को कैसे बनाया, मैं आपको तोड़ करके बता दिया कि NH3 दो मोल NH3 था तो दोनों मोल NH3 आपस में टूट करके NH4 प्लस NH2 माइनस बना दिया, अब कार्बन से ज्यादा पावरफुल था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो O माइनस और C प्लस, O माइनस खींच लिया किसको NH4 प्लस को, C प्लस खींच लिया किसको NH2 को, रिजल्ट इन दिस, इसको हिट किए तो यहां से दो हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन H2 निकल गया NH2 बच गया NH2 बच गया, इसी वन की यूरिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ऐसे थोड़ी हो देगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा NH3 प्लस CO2 बोलिए कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करिए, तो आपको खुद लेना दो मोल CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे पहले ये बनाएंगे फिर यूरिया, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ रही है, चलिए तो ये सात रिएक्शन हुआ यूरिया का,
सॉरी यूरिया का नहीं अमोनिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर एक लॉन्ग पेयर है तो इसके साथ सॉरी स्ट्रक्चर कैसा आएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3 आएगा, sp3 में टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन एक लॉन्ग पेयर है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा तो आ जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जिसमें एक लॉन्ग पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिड आएगा। इसको आप चाहो तो मिला सकते हो यहां से है इसका शेप का नाम क्या होगा बोलिए ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आ जाएगा sp3 और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एट वन कॉर्नर। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था लेकिन डिस्टॉर्ट कर गया बिगड़ गया। टेट्राहेड्रल कैसे होता है एक बीच में सेंट्रल एटम एक बॉन्ड ऊपर और टी बॉन्ड नीचे ऐसा ही होता लेकिन यहां पे तो है नहीं तो डिस्टॉर्ट कर गया। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूजेज, यूजेस ऑफ NH3 अमोनिया का यूज। अमोनिया का यूज जो है इसको यूज किया जाएगा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जैसे अमोनियम नाइट्रेट ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे इसका यूज, इसको यूज किया किसके नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रिपरेशन करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए है ना। इसको रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज किया जाएगा, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि अमोनिया को यूज किया इन द प्रिपरेशन ऑफ क्या यूरिया, यूरिया को बनाने के लिए भी यूज किया गया। तो ये सब यूजेस जो है कुछ है यूरिया का ठीक है। तो ये यूरिया का पूरा हम लोग डिटेल सॉरी अमोनिया का हम लोग पूरा डिटेल्स कहानी सीख लिए। पहला हम लोग अमोनिया को बनाए तीन मेथड से, उसके बाद फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सात प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपको बीच बीच में टिक कर दिया गया है। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट यूजेस सीख लिए। बेसिकली आप कमांड करिए इसमें कौन सा टॉपिक पे कमांड करना है तो प्रिपरेशन पे और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे कमांड करिए, ये अमोनिया पूरा खत्म हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक एनर्जी मिलेगा और उसी एनर्जी के साथ मैं आपको फिर से अगले क्लास में पहुंचूंगा ताकि आपको पूरा से पूरा समझ में आवे। और जब भी मैं वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा ताकि आप तुरंत देख सकते हैं। थैंक यू।